नमस्कार दोस्तों, मैं विमला वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आज भी उन्हीं एक समस्या का समाधान लेकर मैं आपके सामने हूं। अक्सर हम लोगों का रिलेशन हमारे दोस्तों के साथ, हमारे पारिवारिक सदस्य होते हैं उनके साथ या किसी के भी साथ में बहुत अच्छा होता है। इतना अच्छा होता है कि अक्सर कुछ भी काम करें या हमारे दिल में कोई छोटी सी बात क्यों ना हो, जब तक हम उनके साथ शेयर नहीं कर लेते तब तक ये कहें कि हमें खाना ही हजम नहीं होता तो गलत नहीं होगा। लेकिन थोड़ा ही समय निकलता है और कुछ ऐसा होता है कि हम कह देते नहीं, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम क्या करें कि हमारे रिश्ते लंबे समय तक चले या लाइफ टाइम तक वो चलते रहे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताऊंगी, जिनको अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने हर तरह के रिश्ते लंबे रख सकते हैं, अच्छे रख सकते हैं और उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि सब आपको कहेंगे कि फला आदमी बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर उससे आप कोई भी रिश्ता बनाते हैं तो वो रिश्ता पूर्ण रूप से उसको निभाता है। दोस्तों, मैं आपको पांच चीजें इसकी बताने वाली हूं, अगर आप उनका ध्यान रखें तो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी वे हो जाएगा कि हम अपने व्यवहार को शांत रखें, अच्छा रखें, मीठा रखें। पहली बात, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, सकारात्मक सोच जिसको हम बोलते हैं। कई बार क्या होता है, कोई आकर हमें कहता है कि आपके बारे में उसने ये बोला और हम कहते हैं अच्छा उसने बोला, उसने तो ये भी है, उसने तो ये भी किया, वो खुद ऐसा है, वो खुद वैसा है। गलत, हमें ऐसा नहीं करना है। आप सकारात्मक सोच रखें। कोई आपको बताए कि किसी आदमी ने आपकी बुराई की है तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि उसमें उसे मुझ में कुछ कमी दिखाई दी हो सकता है कि मेरा व्यवहार उसके प्रति अच्छा न रहा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे कभी भी ऐसा देखने को ना मिले या फिर मेरा व्यवहार उसके प्रति गलत ना हो। देखिए, छोटी सी बात है, कहां हम रिएक्ट करते हैं और कहां हमने उसको अच्छे से सकारात्मक सोच में बदल लिया। दूसरी बात, किसी भी बात को सुनकर तुरंत रिएक्शन नहीं दे। कोई आपको कुछ कह रहा है या आपकी कमी आपको बता रहा है तो वो आपका अपना है। आप कहते हैं आपकी इतनी हिम्मत कि आप मुझ में कमी निकालो, आप मेरी कमी बताओ, आप मेरे बारे में ऐसे बात करो, तो बिल्कुल नहीं। कभी भी तुरंत रिएक्शन ना दें, एक बार उस पहलू के बारे में सोचें कि सामने वाला अगर आपको कुछ ऐसा कह रहा है तो ऐसा है क्या, क्या वाकई में कुछ है या फिर कोई बनी बनाई बात है या फिर उसको बुरा लगा। तो उसको पहले जाने समझें, उसके बाद बात करें, और बात करें तो बिल्कुल शांति के साथ बात करें। तीसरा पॉइंट, ईगो नहीं रखें। जो हमारी ईगो होती है इसकी वजह से हमारे मोस्टली जो रिलेशन में खतरा आ जाता है, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो कभी भी ईगो नहीं लाएं, कभी ये नहीं सोचें कि वो मुझसे छोटा है, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे कह दिया। दोस्तों, फ्रेंड सर्कल में या रिश्तेदारी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबका व्यवहार होता है, सबकी एक सीमा होती है, उन सीमाओं को आप रखिए, ईगो बीच में नहीं आए। कोई कुछ बोल रहा है तो एक बार सोचें, सुने, समझें, शांति से बात करें। हमारा फोर्थ, मजाक ऐसा कभी नहीं करें जो आपसे भी बर्दाश्त नहीं हो। मजाक उतनी करें जितना आप बर्दाश्त कर सकें। सामने वाले के साथ आप मजाक करते हैं लेकिन अगर वो आपके साथ मजाक करता है तो हमें बुरा लगता है, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको अपने रिश्ते बनाए रखने हैं, अपना व्यवहार अच्छा रखना है तो मजाक उतनी करें जितना आप खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट कि अपने होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रखें। आपके चेहरे की मुस्कुराहट सामने वाले के गुस्से को शांत कर देती है। सामने वाले आपके बारे में क्या बोलना चाह रहा था वो ये भूल जाएगा, वो ये सोचेगा अरे इसको मैं क्या बोलूंगी, तो पहले से इतना खुश है। दोस्तों, अगर आपको खुश रहना है तो खुशी पहले दिखाइए, आप सबके साथ बांटिए। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ
कि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का इलाज संभव नहीं है। आप चाहते हैं कि सब आपके साथ अच्छा व्यवहार करें, सब आपके साथ प्यार से रहें, आपके रिश्ते हमेशा के लिए लंबे अच्छे रहें, मीठे रहें, मधुर रहें, तो आप अपना खुद का नजरिया बदलिए। आप अगर अच्छा व्यवहार करते हैं, अपना सोच सकारात्मक रखते हैं, तो सामने वाला भी डेफिनेटली वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला है। दोस्तों आज इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।